अब ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गया है जिसमें चोरी होने का झंझट बिल्कुल खत्म। इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है, नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से न्यू टाइम एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। ये है फिदातो कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका मॉडर्न नेम है इजी गो प्लस। फिदातो का ये सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। फ्रंट व्हील और रियर व्हील में आपको दोनों में ही डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। कंपनी ने अपने इस मोस्ट पॉपुलर स्कूटर के अंदर 1.5 किलोवाट की मोटर दी है, यानी कि आप कह सकते हैं 1500 वाट की मोटर मिलती है। इसी स्कूटर का एक और वेरिएंट आता है जिसमें आपको 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट की मोटर मिलेगी। इसकी मोटर BLDC हब वाटरप्रूफ है। मॉडल नेम के ठीक नीचे DRL दिए हैं जो कि रात में बहुत ही जबरदस्त लगेंगे। नंबर प्लेट के लिए भी लाइट दी हुई है और इसकी टेल लैंप भी LED में है। टर्न इंडिकेटर भी आपको LED में मिलेंगे और हजार लाइट का भी इसमें फीचर दिया गया है। इसमें पीछे की तरफ जो ग्रैब हैंडल है वो काफी ज्यादा वाइड दिया हुआ है, आप इस पे कुछ भी सामान रख के अपना बांध सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं रियर की जो टेल लाइट है बहुत ही जबरदस्त है, LED में इसका बहुत ही अच्छा शेप दिया है। आप इसको चाहें तो हजार्ड लाइट बोल सकते हैं या फिर पार्किंग लाइट भी बोल सकते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ही आपको DRL मिलते हैं, आप लोग देख सकते हैं, इनको आप अपने हिसाब से भी जला सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड फुटरेस्ट मिलता है और इसी के साथ साथ पिलियन के लिए यहाँ पर एक और फुटरेस्ट दिया हुआ है। इसके जो साइड के DRL है वो नाइट में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। पिलियन के लिए जो यहाँ पर फुटरेस्ट दिया है वहां पर आप बटन से इसको ओपन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इसको दबाते ही ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर को मेंशन किया है। आइए मैं आपको इसका फ्रंट का व्हील दिखा देता हूँ। फ्रंट और रियर व्हील साइज है 19x19 12 इंचेस। JK ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है। जितना इस स्कूटर का रियर से और साइड से डिजाइन बेहतरीन है उतना ही फ्रंट से भी है। फ्रंट में भी आपको DRL लाइट मिलती है जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसको जला सकते हैं अपने हिसाब से। और फ्रंट में आपको जो हेडलैम्प मिलती है वो आपको यहाँ पर हेलोजन मिलेगी। यहाँ पर फिदातो की ब्रांडिंग मिल जाती है, आप लोग देख सकते हैं DRL कुछ ब्लू कलर में दी हुई है और नीचे की तरफ लोगो मिल जाएगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। अगेन ब्रांडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, फ्रंट ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर्स 1, 2, 3, रिवर्स, हॉर्न, हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम, ये फीचर, हजार्ड लाइट, पार्किंग इंडिकेटर्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर, 75 ये वोल्ट लिखा हुआ है। अच्छा, बैटरी इसकी 75 वोल्ट की है तो 72 वोल्ट की 10 वोल्ट नीचे 10 वोल्ट ऊपर, ओके, 83 तक फुल रहती है। अच्छा, और डाउन होगी तो आपका 62.3 तक जाएगा। ओके, यहाँ पर गियर को मेंशन किया गया है, जैसा वन अभी फर्स्ट में है, सेकंड जैसे ही करते हैं वैसे ही यहाँ पर सेकंड आ जाता है, थर्ड पर यहाँ पर करते हैं तो ये मेंशन कर देता है थर्ड पर। उसके बाद में ये लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर और इसकी चाबी है। इस चाबी का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का बनाया गया है जिससे ये चोरी ना हो सके। और जैसा आपको एक्टिवा वगैरह में ये फीचर मिलता है यहाँ से इसको लॉक करने का, वैसा यहाँ पर इस पर ऑप्शन मिलता है। आइए मैं इसके रिमोट को दिखाता हूँ। सेंटर लॉकिंग सिस्टम के साथ में आती है। ये पार्किंग है, इसको डबल क्लिक करने पर ये पावर स्टार्ट होगी, ये अनलॉक और ये लॉक करने के लिए। यहाँ से ये मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ये आवाज़ करेगी और उसके बाद में अगर इसको कोई भी खींचेगा तो ये इसके दोनों पहिए जो हैं वो लॉक हो चुके हैं, इसको खींचकर कहीं पर भी नहीं ले जा सकता है। और अगर कोई कोशिश भी करता है तो इसमें जो सायरन लगा हुआ है वो बजने लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का, चलो काफ़ी अच्छा फीचर दिया है फिदातो ने इसमें। ये देखिए व्हील इसके जो हैं वो लॉक हो चुके हैं और की मेरे पास में है, ये देखिए
इस स्कूटर को चोरी ना होने वाले फीचर को भी देख लीजिए। यहाँ पर एक कस्टमर आए हुए हैं, उन्होंने पहले यही क्वेश्चन पूछा कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर चोरी हो गया तो। इस शोरूम के ओनर है कुश जी, उन्होंने इस एंटी थेफ्ट फीचर को दिखाया है इस स्कूटी के अंदर जो है, आप देखिएगा। अब भाई जब उसको चुराना ही है तो भाई चाहे कैसे भी ले जा सकता है, ठीक है, तिजोरी में से सब निकल जाता है। पेट्रोल बाइक जो आसानी से चली जाती है हैंडल तोड़ के, इसको कोई डर नहीं, इसको अगर चेक करने के लिए गाड़ी आपकी पीछे खड़ी है तो उसके लिए केवल एक बार ये दबाइए बोलेगी। शोरूम के अंदर ही मैं भी इसको चलाकर एक लाइव डेमो ले लेता हूँ, कैसा लगता है बैठकर, कैसी सिटिंग पोजीशन है। चलिए मैं सबसे पहले तो इसको रिवर्स कर लेता हूँ, इसको ऑन करके यहाँ पर रिवर्स वाला बटन दिया हुआ है, आपको उसको दबाए रखने होगा और उसके बाद आपको एक्सीलेटर लेना होगा और आपकी ये पीछे चली जाएगी। ये काफ़ी अच्छा फीचर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ए सी में नहीं और आने वाली और भी जो आ रही हैं उनमें भी आता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी गियर में ये उठ जाती है, ये नहीं है कि फर्स्ट में ही आपको उठाना पड़ेगा, सेकंड में उठाना पड़ेगा या थर्ड में उठेगी। इस स्कूटर की सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, जैसा कि पेट्रोल वाली जो स्कूटर आते हैं उन्हीं जैसी है, बिल्कुल ये लगता ही नहीं है कि भाई मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर बैठा हुआ हूँ। पर्सनली जब भी मैं कोई भी एक स्कूटर लूँगा तो मैंने तो सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही लूँगा। एक बार इसका स्पेस भी दिखा दीजिए, सीट में कितना है अंदर स्पेस। सीट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर की लगानी पड़ेगी और लेफ्ट में ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपको मैट्स मिल जाएंगी। डिग्गे में ही बैटरी शायद है। अच्छा, इसकी बैटरी इसी के लिए। अच्छा अच्छा, पानी आनी ना जाए, नीचे नीचे से पानी जाता है। ओके, तो इतना ही स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पर बैटरी रखी हुई है, वही अलग अलग मॉडल हैं तो अलग अलग उनमें फीचर्स हैं, इसमें स्पेस जो है वो थोड़ा कम है। यहाँ पर आपको एक MCB मिल जाती है। अच्छा, इसकी टॉप स्पीड क्या है? 60 इसकी टॉप स्पीड है। आपको फ्रंट में थोड़ा स्पेस मिल जाता है, जरा इसको ओपन करके दिखाइए, ये देखिएगा। इसमें मोबाइल चार्ज करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है USB का, इसमें मोबाइल चार्ज करने की कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये इसके साइड मिरर रखे हुए हैं। ओके, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। आइए मैं आपको चार्जर भी दिखा देता हूँ इसका। ये इसका चार्जर है, ये आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगेगा और ये आपकी स्कूटी में लगेगा, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में। ये इसकी मैं आपको रेटिंग भी दिखा देता हूँ, 72 वोल्ट 6 एम्पियर लिथियम बैटरी चार्जर। देखिए इस साइड में फ़ैन लगा कर दिया है जिससे ये आपका जो चार्जर है वो हीट ना हो। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, जब इसको प्लग किया जाएगा तब ये इंडिकेटर्स चलेंगे। जी भाई, इस स्कूटर का जो चार्जिंग टाइम है वो 0 to 100% चार्ज होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे ले लेता है। काफी मस्कुलर दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगा है मुझे। इस DRL में ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, भैया वहां से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो डिजाइन दिया है काफी ज्यादा प्रीमियम है। मार्केट में हमारी 40 से 50 गाड़ियाँ चल रही होंगी, जिसमें 15-16 गाड़ी यही है। अच्छा, उसके बाद ये नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, इटावा के अंदर 15-16 गाड़ियाँ ये अभी चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में। इस स्कूटर के जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, अब जो कस्टमर के द्वारा फीडबैक दिया हुआ है वो भैया से पूछ लेते हैं। अच्छा, एक बार चार्ज करने पर कितनी आउटपुट दे देती है? 90 किलोमीटर का। ओके, और चार्जिंग टाइम? चार घंटे 0 to 100% चार्ज होने में 4 घंटे लगभग लग जाते हैं। ओके, और चार्जिंग में जो आपका इंक्लूडेड खर्चा होता है वो करीब 2 यूनिट, केवल 2 यूनिट में ये आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। एक बात मैं आपसे अपनी पर्सनली शेयर करूं, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इंडिया में जो आ रहे हैं वो सेम उसी जैसे आ रहे हैं जैसे जियो आ चुका है। उस टाइम पर एयरटेल वोडाफोन आइडिया महंगे थे और जियो ने फ्री में दिया और उसके बाद कम रुपए लिए, वैसे ही अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का हाल है इंडिया में। इसी स्कूटर के बराबर में एक और स्कूटर खड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, दोनों के सेम मॉडल हैं, बस ग्रेम हैंडल चेंज है। आप लोग देख सकते हैं एक में स्टील दिया हुआ है और एक में थोड़ा मेटेलिक दिया हुआ है, और इसी के साथ साथ इनके फीचर्स में भी फ़र्क है, इनकी बैटरी में फ़र्क है
और इनके मोटर में भी फर्क है। जो ज्यादा फीचर वाला है उसकी प्राइस 2000 रुपए महंगी है और कम फीचर वाला थोड़ा सस्ता है 2000 रुपए। ये 72 वोल्ट के 72 वोल्ट, ये 60 वोल्ट, ये 60 वोल्ट की है। बाकी के सभी फीचर सेम है। इसका 60 का स्पीड है, प्राइस में क्या डिफरेंस है, ये कितने की है? ये 2000 सस्ता है, ये 2000 महंगा, ये 98 का है, ये 96। ओके, तो मेरे हिसाब से यही वाली लेना ज्यादा बेस्ट है, सबसे ज्यादा बेटर बेस्ट यही है ना। 2000 रुपए में आपकी मोटर भी बढ़िया हो रही है, बैटरी भी बढ़िया हो रही है। ये कलर एक और आता है, इसका एक और व्हाइट कलर आता है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा कृतिका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जिन्होंने मुझे यह स्कूटर रिव्यू करने के लिए प्रोवाइड कराया है। इनका यह शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अवेलेबल है। ये और भी ब्रांड के स्कूटर में डील करते हैं। अगर आपको कोई भी और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए हो तो आप यहां से खरीद सकते हैं, अगर आप इटावा जिले से हैं। चलिए फटाफट से इस शोरूम में अंदर चलते हैं और यहां के ऑनर से बात कर लेते हैं। इस शोरूम का प्रॉपर मैं आप लोगों को एड्रेस और मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर, मेरा नाम कुश त्रिपाठी है जी, और मैं इटावा में रहता हूँ जी, और हर्षनगर कोट रोड पे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोरूम है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ सेल करते हैं। और जिसमें हमारे पास कई सारे मॉडल हैं अलग अलग कंपनियों के, 60 वोल्ट में अवेलेबल है और 72 वोल्ट में अवेलेबल है। जी, तो आप डीलर हैं या फिर मतलब आपका? सर, हमारी दो फर्म है, सृष्टि ऑटोमोबाइल के नाम से जो हमारा फर्म है वो हमारा डीलर फर्म है, और कृतिका ई मोटर्स इंडिया के नाम से हमारा मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। जी, उसमें पार्टनरशिप में आप डील करते? जी जी। कृतिका ई मोटर्स व्हीकल सर्विस, प्राइस सर्विस चार्ज 250 रुपये, बैटरी टर्मिनल 100 रुपये, कंट्रोलर कनेक्शन 100 रुपये, वायरनेस हैरनेस सर्किट 100 रुपये, मोटर कनेक्शन 100 रुपये, थ्रोटल एंड ब्रेक स्विच 100 रुपये, बाकी के और भी जो इनकी सर्विस हैं उन सभी के 100 रुपये हैं। फरवरी 2022 में यहाँ पर जो अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बार को आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से मॉडल मिलेंगे। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हां भाई, इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।